सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू प्रोफेशनल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आप क्लास 12th की इंग्लिश, और जिसमें मैंने आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर पूरा खत्म करा दिया था। उसकी प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ करा दी थी। और अब ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका होगा सेंथेसिस का, ठीक है। पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंथेसिस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आपका सेंटेक्स आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो वीडियोस थी हमारी वो आपने नहीं देखी है तो जाकर के उन्हें देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो आपका 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और ये जो सेंथेसिस होगा ये भी आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि 2 नंबर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 ही से फॉर्म चला लेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये जो नंबर होते हैं ना वो आपको एंटर करने के बाद पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जब आप किसी परसेंटेज से आपकी मान लीजिए कोई चीज़ निकलती है तो उसमें आप थोड़े थोड़े रह जाते हो, पॉइंटों से रह जाते हो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि 2 नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, 50 out of 50 नंबर लाने हैं इंग्लिश में, ग्रामर में। जब ये आप लेकर आओगे तभी आपका ये सोचिए कि जैसे मेरा 100 का हो रहा है तो मैं 100 ही नंबर लाऊं, ये भी मैं सोचिए कि मेरा आधा नंबर भी कट जाए, क्योंकि अगर कटेगा तो आपको आगे जाकर के दिक्कत होगी, ठीक है। पूरी कोशिश करिए कि पूरे 8 of 8 of आए, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक नियम समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी भी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी करिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने चैप्टर आपको कराया, बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने कराई, आप भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के सभी साथ शेयर करिए। जैसे आपके स्कूल में जो भी दोस्त आपके पढ़ते थे उनके नंबर लीजिए, उनमें शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको मालूम है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जब हम अभ्यास करते हैं तभी हम उस चीज़ में क्या होते हैं, निपुण होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। एक भी नंबर छोड़ के मत आना, एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी नंबर क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो सही बात नहीं है, आगे जाकर के बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको टोटल सोचना है, टोटल में टोटली नंबर लाने, ऐसा सोचो। जैसे CBSE बोर्ड वाले लेकर आते हैं 8 of 500 में से 500 ले आए, 499 आ रहे हैं, किसी किसने भी आ रहे हैं, तो आप भी सोचो, आप भी पूरा पूरा सोचो, पूरा करके आएंगे आप, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर ये वीडियो आप हमारा किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है यूट्यूब में जाकर के, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी सर्च करने में, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। ये जाकर के नाम सर्च करना तो यूट्यूब में मिल जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर के आप चेकआउट कर लेना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर देख लेना, उसको आप अपना चैप्टर क्लियर करना। चलिए, अब इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको समझाते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सेंथेसिस में क्या क्या हमको पढ़ना है तब, और कितने प्रकार के सेंथेसिस में टाइप्स होते हैं, उनको कैसे हमें बनाना है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, ये ब्रीफ जानकारी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, तो जो सेंथेसिस है, सेंथेसिस, ये जो आपका सेंथेसिस है, सेंथेसिस बटा है आपका 3 टाइप्स में, ठीक है। तो सेंथेसिस से हम क्या करते हैं, ये जो सेंथेसिस होता है वो आपका सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, 3 में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सरल वाक्य, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इनकी मैंने आपको हिंदी भी लिख दी है जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या करना होता है हमें, तो सिंपल सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन पढ़े सिंथेसिस के रूप में तो क्या पढ़ेंगे, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आपको 2 दिए होंगे, 3 दिए हों, जो भी दिए हों, उनको आपको क्या करना है, इनटू अ 1 सिंपल सेंटेंस, उन्हें 1 सिंपल सेंटेंस में ही आपको बना देना है, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस 2 हैं 3 हैं तो उनको 1 सेंटेंस में मर्ज कर देना है, तो उसे ही क्या कहोगे आप, सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस के रूप में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मर्ज करना है यानी जोड़ना है, तो सेंटेंस का मेन निकल के क्या आया, जोड़क, यानी क्या निकल के आया, जोड़क,
सेंटेंसेस आपको मेल पूछता है तो क्या होगा, वो जोड़क होगा यानी जोड़ने वाला होगा, ठीक है। अब देखिए इसके ही अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए पहले हमें यहाँ पर इसके अंदर पढ़नी है फिनाइट वर्ब की, फिनाइट वर्ब क्या क्या होती है, ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब पढ़नी है। उसके बाद आपको पार्टिसिपल पढ़ना है, जीरेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इनफाइनाइटिव, आपको फिर एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपको कंजक्शन पढ़ना है, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज पढ़ना है इन एपोजिशन, ठीक है, ये पूरा है नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, आपको फिर पढ़ना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ये बनाना चाह रहे हो, अगर आप ये बनाना चाह रहे हो, इसको बनाना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी सभी, और जब ये बनेगी तब आपका ये स्क्रिप्ट बन जाओगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतनी चीजें पढ़नी होंगी, ये मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसका कोई सीरियल नहीं है कि आपको पहले फिनाइट वर्ब इनफिनाइट वर्ब चलेगी, इसमें मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कैसे आपको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, फिर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनवाऊंगा, ठीक है। और जब हमारा पूरा सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखो डेफिनेशन दे रहा है, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस, इसमें भी सरल वाक्यों को, दो या तीन सरल वाक्यों को क्या करना है, इनटू अ वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य में बनाना है, ठीक है। तो एक मिश्रित वाक्य बनाना है इसमें भी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और आपको एडवर्ब क्लास पढ़ने पड़ेंगे। जब ये पढ़ लोगे तो आप ये बनाना सीख जाओगे, और जब ये बनाना सीख जाओगे तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा कवर करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस भी साथ-साथ इसी में कराते चलूंगा, उसके बाद आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य के लिए क्या है, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस, इसमें सरल वाक्यों को ही जोड़ा जाता है, ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाओ कंपाउंड बनाओ, ठीक है, इनटू अ कंपाउंड वन कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो वन कंपाउंड सेंटेंस यानी एक संयुक्त वाक्य आपको बनाना होगा सिंपल सेंटेंसेस को लेकर, ठीक है। तो वहां पे पूछता है कि एक आपको जैसे मान लीजिए दो आपको सिंपल सेंटेंस दे दिए, फिर कहेगा कि इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करिए, ठीक है। तो वहां पर आपको ये करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनेटिव कंजक्शंस, ठीक है, और आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिलेटिव कंजक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज आपको जब पढ़नी पड़ेगी, जब आप ये चीज सब पढ़ लोगे तो क्या बनाना सीख जाओगे, लोगों को कंबाइन करना सीख जाओगे, जब ये सीख जाओगे तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की आपको ब्रीफ आपको एकदम अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी जब मैं अपनी वीडियो इसके बाद स्टार्ट होंगी। ये वीडियो पार्ट था, वन था, ये मान लीजिए आपका एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने कराया। अगली बार मैं आपके लिए एक एक रूल्स, दो दो रूल्स की, इसमें से मान लीजिए मैंने फ्लैट वर्ब उठा लिया, नॉन फ्लैट उठा लिया, इसके बाद आपके पार्ट्स बनेंगे वीडियोस के, ठीक है। तो आपको वहां पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम कैसे पहले इन सब के बारे में हम जानकर फिर हम इसको कंबाइन करना सीखेंगे, उसके बाद सिंपल सेंटेंस मेरा कवर हो जाएगा, इसके बाद हम इस पर आएंगे, ट्रेस पर आएंगे। तो ये सभी जो डायग्राम मैंने बनाया ये अपनी कॉपी पर उतार लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें हमारा आता है, ठीक है। जब ये सभी आप उतार लेना उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि सर क्या करा रहे हैं, कि आपकी फ्लैट चल रही है, नॉन फ्लैट चल रही है, ठीक है, इसके बाद आपका इसमें कौन सी चीज चल रही है वो हम आपको इसमें कराने चलेंगे, ठीक है। जिनका कोई सीरियल नहीं है इनमें मैं बता दूंगा हमको क्या कराना है, उसके बाद ये सब करा देंगे क्रम से, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, आप आज से लेते हैं इस वीडियो में अब तक इतना ही रहने देंगे, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अभी डालूंगा तो आपको मिलती रहेगी। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।